राजधानी देहरादून में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सीएम धामी ने बुधवार को दून एयरपोर्ट के फेज टू टर्मिनल का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस दौरान वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। वहीं फेज टू के शुरू होने पर अब एयरपोर्ट की यात्री क्षमता पहले के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक तरफ हम विमानन सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम आम आदमी को भी इन सेवाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देहरादून एयरपोर्ट 2004 में केवल 3 शहरों से जुड़ा था और अब ये पूरे भारत के 13 शहरों से जुड़ गया है। इसी कड़ी में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड देश के सभी हिमालयी राज्यों में विकास में सबसे आगे हैं, इसीलिए तीर्थ पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है। डोईवाला से संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट। टर्मिनल 2 का आज उद्घाटन हुआ है। इसके उद्घाटन होने से, इसके प्रारंभ होने से बहुत सारी जो हमारी सेवाएं हैं वो बहुत गुना, कम से कम 10 गुना सेवाओं में वृद्धि होने वाली है। लोगों की कैपेसिटी 10 गुना बढ़ गई है पहले की तुलना में, और यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए, पूरे देश दुनिया के आने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और पिछले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद तेज़ी से हमारे राज्य के अंदर सभी सेवाएं बढ़ी हैं, सड़कों के क्षेत्र में, रेल सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, और उसी के साथ साथ हवाई क्षेत्र में भी। क्योंकि ये बहुत छोटा सा हवाई अड्डा होता था और बहुत कम कैपेसिटी होती थी, आज उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है। ये एयरपोर्ट शुरू में, यदि जब से ये स्थापित हुआ, केवल 4 लाख की कैपेसिटी थी इसकी केवल, और आज 47 लाख लोगों की क्षमता हो गई है। कहाँ 4 लाख लोगों की क्षमता वाला और कहाँ 47 लाख लोगों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट हो गया है। तो इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, ये सार्थक हो रहा है। और मेरी देवभूमि का जो ये एयरपोर्ट है, ये देवभूमि का ये एयरपोर्ट बहुत ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका विकास हो रहा है। ये आज जो देश के प्रमुख 13 शहरों से ये सीधा जुड़ा हुआ है। हमने मांग की है कि क्योंकि ये देवभूमि और चार धाम यहाँ पर है, गंगा है, हिमालय है। एयरपोर्ट का आपने देखा है जो फेज़ टू का आज उद्घाटन हुआ है, इससे कुछ समय पहले फेज़ वन का हुआ था, और आप देख सकते हैं इस एयरपोर्ट ने आज इतना विशाल रूप ले लिया। क्योंकि मैं स्वयं भी इस एयरपोर्ट का सदस्य हूँ, सलाहकार समिति का, और मेरा घर भी जब इस एयरपोर्ट में था उस टाइम में बहुत छोटे रूप में था जब हम लोग यहाँ से विस्थापित हुए थे। और आज के जो एयरपोर्ट की जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से माननीय सांसद हरिद्वार और इस एयरपोर्ट सलाहकार समिति अध्यक्ष जी ने एक निवेदन किया है उनसे कि जो ये जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो टीरी बांध से विस्थापित लोग यहाँ पर आए थे और अगल बगल के क्षेत्र के लोग जो इस एयरपोर्ट से प्रभावित होते हैं, उन्हें भी यहाँ से रोजगार से जोड़ा जाए। और ये एयरपोर्ट आप देखेंगे किस प्रकार से भव्य और सुंदर बन चुका है, और निश्चित तौर पर जैसे चार धाम यात्रा यहाँ पर होती है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी यहाँ से सुविधा मिलने।